गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। नमस्कार, मैं पंडित अनुराग गुरु जी। आज हम बताएंगे कि हमारे जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष होने के कारण जीवन में क्या समस्याएं होती है, इसका पूजन कहाँ पे करवाना चाहिए, इसका दोष निवारण कहाँ पर होता है। तो सबसे प्रथम में काल सर्प दोष की जो पूजा की जाती है त्र्यंबकेश्वर भूमि में की जाती है, उसका दोष निवारण ओनली फॉर त्र्यंबकेश्वर में किया जाता है। सबसे प्रथम में कई व्यक्तियों का क्वेश्चन होता है कि कितना खर्चा आता है, इसके शुभ दिन कौन से होते हैं। तो नीचे नंबर दिया गया है पंडित अनुराग गुरु जी का, वहां से जाकर के संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, मुहूर्त मंगवा सकते हैं। और इसमें विधि कौन कौन सी की जाती है, कितने घंटे का टाइम लगता है। तो सबसे प्रथम में पंडित जी को फ़ोन करके त्र्यंबकेश्वर आना है। त्र्यंबकेश्वर आने के बाद में सबसे प्रथम में मंदिर के बगल में कुशावर्त कुंड है, वहाँ पर जाना है। कुशावर्त कुंड जाने के बाद में स्नान करना है। स्नान करने के बाद में पूजा में बैठने के लिए जो वस्त्र लेकर के आए हैं उसको धारण करना है। वस्त्र धारण करने के बाद में मंदिर का दर्शन, उसके बाद में जो भी पंडित जी से आपकी बात हुई है उनके आश्रम में जाना है। आश्रम में जाने के बाद में सबसे प्रथम में देवादिदेव महादेव जी का अभिषेक होगा 15 से 20 मिनट का। उसके बाद में 5 मंडलों का पूजन किया जाएगा, जिसमें गणेश पूजन, कलश पूजन, पुण्यावाचन पूजन, षोडश माँ दुर्गा पूजन और पितृ पूजन होगा, जिसे नांदी श्राद्ध पूजन कहते हैं। उसके बाद में अष्टदल का पूजन, नवग्रह पूजन, देवादिदेव महादेव जी का पूजन अर्चन किया जाएगा। उसके बाद में आपके पूजा में 9 चांदी की मूर्तियां रहेंगी, राहु केतु की चांदी की प्रतिमा रहेगी, 1 चांदी का गाय रहेगा। उनका अभिषेक करके, प्राण प्रतिष्ठा करके, पंचोपचार की आरती करके उसके बाद में होम हवन किया जाएगा। हवन होने के बाद में आपको चांदी के नाग नागिन दिए जाएंगे, जो कि मंदिर के बगल में कुशावर्त कुंड है, वहाँ पर विसर्जन करना है। ये होती है काल सर्प दोष की पूरा पूजा की विधि। नीचे नंबर दिया गया है पंडित अनुराग गुरु जी का, वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय जी।